हेलो दोस्त। दादा की बालो, चार रिजल्ट में से एक का सिलेक्शन होना है। उसमें भी टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट है। कुछ फेल भी होंगे, 50% फेल होते हैं। और फाइनल के टर्म में देखेंगे, चार में से या दो में से एक कैंडिडेट सिलेक्शन होना है आरआरबी कोलकाता का। तो भालो अच्छे या नाच, बंगाली तो आती नहीं लेकिन कोशिश कर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस, आरआरबी कोलकाता, जिसमें ईआर जोन के रूप में एसीआर, चितरंजन लोकोवर्क, मोटिक वर्क और साथ में मेट्रो रेलवे की जो वैकेंसी है उसके लिए। अब यहाँ पे रेशियो दिख रहा है, तो कटअप 2022 के बारे में बोलेंगे तो एक्सेल सीट फार्मूला के रूप में करेंगे। तो रिपीट और यूनिक कैंडिडेट की बात है। जितना कैंडिडेट रिपीट हो गया और टोटल में से घटा देंगे तो यूनिक कैंडिडेट निकल जाएगा। इसके लिए ये वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको जो जो बना रखा है, आपको चंडीगढ़ बना रखा है, पटना बना रखा है, मुंबई बना रखा है, सिकंदराबाद बना रखा है। ये पांचवा आरआरबी है और दिन भर में मैंने कभी कभी ये कोशिश किया है 80,000 के आसपास ये रोल नंबर टाइप करना इतना आसान नहीं है। 80,000 बिग ह्यूज अर्न था, लेकिन फिर भी आज कोशिश किया है मैंने टाइपिंग करके। और जैसे ही टाइम मिलेगा और आरआरबी का भी कोशिश करूंगा। अभी आज तो संडे था, ड्यूटी से मुक्ति थी, कल ड्यूटी रहेगा, तो हो सकता है धीरे धीरे करके मैं इसको आपको पूरा कर दूंगा जैसे ही मेरे पास टाइम अवेलेबल रहेगा। तो चलिए लैपटॉप के, तो कोलकाता में अभी है, कोलकाता में यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट 5 का है, यहाँ पे 2 का है रिजल्ट जो आया है ऑफिशियल। और टाइपिंग टेस्ट 5 में अगर बोले तो टोटल 4,758 कैंडिडेट है। और टाइपिंग टेस्ट जो लेवल 2 के लिए है उसमें 5,460 कैंडिडेट है। साइको टेस्ट में दो टाइप के साइको टेस्ट का यहाँ रिजल्ट आया है। एक रिजल्ट आया है जो आपका लेवल 6 के लिए है, और यहाँ कोलकाता में लेवल 6 के साथ साथ लेवल 4 भी है, जिसमें 1,331 कैंडिडेट लेवल 4 में यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं। अब इन सारों का लिस्ट मैंने बना लिया, तो 4,274 कैंडिडेट लेवल 6 और लेवल 4 में हो जाएंगे। दोनों मिलाने के बाद मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर लेवल 4 भी है, तो इसलिए आप यहाँ पर गलत नहीं समझिएगा इसको। यहाँ पे लेवल 4 भी इंक्लूडेड है इसी में। अब दोनों के लिस्ट मिलाने के बाद अगर हम पूरी अगर एक डाटा देखें, सबसे पहले ये अभी जो हमने ये डाटा दिया है वो सही एकदम बिल्कुल नहीं है, इसको हम थोड़ा सा अभी देखेंगे। तो इसको हम देखने के लिए थोड़ा सा अभी एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लगाना पड़ेगा फिल्टर। बाकी डिटेल तो मैं बता ही दूंगा आपको सारा। इसको खाली डाटा देखने के लिए हमें लैपटॉप चाहिए, तभी हमें डाटा देख पाएंगे। तो यहाँ कंडीशनल फिल्टर लगाना पड़ेगा, न्यू रूल में हम फिर जाएंगे उसी तरह से। और यहाँ पे हम यूनिक कैंडिडेट जो हमें यूनिक वैल्यू के लेना है इसके लिए लेंगे, फॉर्मेट ले लेंगे। फॉर्मेट में हम कलर का ही लेते हैं, जनरली कलर हमें चेंज मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कैंडिडेट कितना रिपीट हो रहा है। और थोड़ा सा इसको ले लें हम रेड में, रेड में लेके इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें टोटल कैलकुलेशन उंगलियों में मिल जाएगी कितना रिपीट हो रहा है। तो आप लेवल 6 और 4 में देखेंगे तो आप नीचे, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ पूरी, आपको स्पीड के साथ स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए सारा ये कैंडिडेट जो रेड है ना, ये रिपीटेड कैंडिडेट का रोल नंबर है। टोटल ये रिपीटेड कैंडिडेट हैं, और रिपीटेड कैंडिडेट का कहने का मतलब है कि एक कैंडिडेट 2 से 3 जगह काउंट हो रहे हैं, यानी 2 जगह काउंट, लेवल 5 में भी है, लेवल 4 में भी है और लेवल 6 में भी है। 4 में तो नहीं है लगातार, यानी या तो लेवल 2 और 5 में है या तो लेवल 4 और 6 में है। ये पूरा अगर देखिएगा, पूरा देखिए कितनी कैसे है, यानी लेवल 2 ऐसा है जिसमें यूनिक कैंडिडेट ज़्यादा है, और लेवल 5 ऐसा है जिसमें कैंडिडेट लेवल 6 वाले सारे भर गए हैं। और लेवल 6 में देखिएगा तो गिना चुना रो खाली मिलेगा, जिससे ये लगेगा कि ये कैंडिडेट ने या तो ऑप्शन नहीं भरा है, या कैंडिडेट का थोड़ा लास्ट साइड में स्कोर होगा जिसके कारण से लेवल 5 और लेवल 4 क्लियर नहीं कर पाया, जो एग्ज़ाम दोनों का सबका अलग अलग हुआ था। तो ये पूरी डिटेल दिखा दिए, चलिए अब आप पूरा देखते रहिएगा, तो काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और एक लोगों का और कमेंट आया है जिससे कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं पता चलेगा, बोला इसी से सारा चीज़ें पता चलेगा, हमें एक्चुअल डाटा क्या मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस एनालिसिस का समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एनालिसिस आपकी PDF थी जो वेबसाइट पे रिजल्ट आया था, लेवल 5 के लिए, लेवल 2 के लिए, साइको टेस्ट के लिए, लेवल 6 और 4 का, कोलकाता में 87 पोस्ट आपका इसके लिए नोटिफाई वैकेंसी में था शुरुआत के, बाद में रिवीजन हुआ होगा तो चेंज हो सकता है, तो शुरुआत वाला कि हम जोड़ के चल रहे हैं, बाद में कुछ 60 70 80 पोस्ट जुड़े थे तो वो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो डिटेल है
उससे ये पता आपको चल रहा है कि कितना कैंडिडेट रिपीट हो रहा है। अगर कैंडिडेट रिपीट हो रहा है तो ओवरऑल कैंडिडेट जब फाइनल रिजल्ट में जाएगा तो फाइनल रिजल्ट में कटअप के साथ में देखेंगे तो उसका सिलेक्शन एक ही होगा। अब दूसरे लोगों का ये कहना क्वेश्चन ये है कि अगर कैंडिडेट जो टाइपिंग वाले नहीं पोस्ट हैं उनकी क्या होगी, ये भी नहीं समझ रहे हैं लोग। मैं बोल रहा हूँ कि जो कैंडिडेट टोटल आ गया, लेवल 6 में भी आ गया, लेवल 5 में भी आ गया, लेवल 2 में भी कहीं ना कहीं है, तो वो कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए भी एलिजिबल हो रहा है और 9 टाइपिंग के लिए भी होगा, क्योंकि उसने पोस्ट प्रायोरिटी तो भर ही लिया होगा। हो सकता है 100 में से 5 या 2 कैंडिडेट नहीं भरे होंगे टाइपिंग टेस्ट या CBET वाले, या उनका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट 90 एंड एबव 95 कह सकते हैं, जो कैंडिडेट या तो लेवल 6 या लेवल 5 में जिनका अच्छा नंबर था वो आ गए हैं, इसलिए हम इस कैंडिडेट को मान रहे हैं एक्चुअल। ध्यान दीजिएगा, इससे नीचे वाले रोल नंबर तो अभी बहुत पड़े हुए हैं, सारे कैंडिडेट पड़े हुए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट इसमें है वो फिल्टर होके ऊपर वाले हैं, ये समझिएगा। अब चलिए हम अपने अपने फार्मूला पर चलते हैं। तो हम फार्मूला हमने लगा दिया है, फार्मूला को हमें रन करना है। फार्मूला को रन करने के लिए हमें इंटर की ज़रूरत पड़ेगी। 2573 कैंडिडेट ऐसे हैं, यहाँ से देख लीजिए, मैं यहाँ पे ला दिया, 2573 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 6 और 4 में टाइपिंग टेस्ट देंगे 30 जुलाई को, और 30 जुलाई को साइको टेस्ट देंगे, टाइपिंग नहीं, और 12 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट देंगे। दोनों के बीच में कितने दिन का टाइम है, 12 दिन में, और 12 दिन में कोई साइको और टाइपिंग टेस्ट के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट 2-4% के छोड़ के। तो ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है, या तो उनका टारगेट होगा लेवल 6 या 5, कुछ लोगों का होगा कि स्किप करने का टारगेट होगा, कुछ का अलग होगा। उसी तरह लेवल 2 वाले में हम चलते हैं, लेवल 2 वाले में कितने कैंडिडेट हैं, इसके लिए भी प्रोग्राम को हम एक बार रन करा देते हैं। तो 675 कैंडिडेट आपके लेवल 2 में है। आप इसको एक बार स्किप में देख लिए, सारा देख लिए, अब एक बार मैं लाऊंगा आपके मोबाइल पे और ये सारा रेट देख के आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, पूरा मैं रेट नीचे तक ला रहा हूँ। लेवल 4 वाले कैंडिडेट कम रेट हैं, लेवल 4 वाले नीचे रिजल्ट में लेवल 4 था, लेकिन लेवल 6 वाले ज़्यादा हैं कैंडिडेट रेट में, और ये लेवल 2 में यहाँ ज़्यादा रिजल्ट है, पता है 5660 है, इसलिए लेवल 2 का रिजल्ट आपको लास्ट तक दिख रहा है। लेवल 2 का एक बार रिजल्ट मैं वेरीफाई करा दूं, एक मिनट ऊपर से, यहाँ से आप देख लीजिए लेवल 2 वाला, यहाँ से लेवल 2 लास्ट में जा रहा है, और 5000 के कितने 60 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो सबसे लास्ट में लेवल 2 ही जाके ख़त्म होगा। देख लीजिए, एक देखिए आपका ख़त्म हो रहा है। टोटल रिजल्ट के टर्म में देखेंगे तो आपका कोलकाता में, अभी एक मिनट मैं लास्ट में समरी बताऊंगा, देखिए 4754 के आसपास आपका कैंडिडेट ख़त्म हो रहे हैं, किसके लिए, लेवल 5 का, और लेवल 2 अभी कंटिन्यू चल रहा है, नीचे में अभी और आएगा, नीचे में कहाँ तक ख़त्म होगा, तो ये ख़त्म होगा 5400 के आसपास। देखिए 52, 53, 54 आपको राइट, देखिए 52, 53, 54 यहाँ पे देखिए ख़त्म हो गया, ये 55 हो गया, 56, 56, 56 यहाँ पे देखिए 5456 कैंडिडेट लेवल 2 का ख़त्म हो गया, और साइको टेस्ट में आपको पता है 4700 लोग हैं। तो रोल नंबर पूरी टाइप किया हूँ मैंने ईमानदारी से, पहले 2 दिन लग जाए मुझे टाइप करने में, सारे चीज़ें करके मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें रोल नंबर एक भी मिस होगा, बिल्कुल नहीं मिस होगा, एक आध का तो माइनर नहीं कर सकते कि कभी गलती से भाई मिस्टेक हो जाए, 5% एरर तो हमें भी टाइपिंग में दे दीजिए, हमें भी टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास भी 5% एरर होगा। तो ये है देखिए, लेवल 4727 कैंडिडेट यहाँ तक आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए हो सकता है सीरियल नंबर में थोड़ा बहुत भिन्न हो, या एक नंबर कोई डबल हो रहा हो, तो यहाँ पे लेवल 4 और 6 के कारण से ऐसा हो, लेकिन हमने पूरा ये नंबर आपको ले के रख रही था। अब चलते हैं मोबाइल पे, तो लैपटॉप पे आपने देख लिया सारा डिटेल। अब फाइनल इसमें अभी 2 चीज़ हमें आपको बताना रह गया है। अब हमें सिंपल सी बात करनी है टाइपिंग टेस्ट का, या पहले कर लेते हैं CBET का, जिसके लिए 450 स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, और इसमें 450 के बाद 87 पोस्ट अलग से ट्रैफिक अप्रेंटिस वाला है या असिस्टेंट वाला कर सकते हैं। उसके बाद अगर टोटल यहाँ कैंडिडेट देखेंगे ना CBET में, 4274 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं एज पर रिजल्ट, 4274 4274 ये कैंडिडेट हैं। उसके बाद लेवल 6 में करेंगे तो लेवल 6 में 5460 हैं,
और उसके बाद लेवल फाइव में बात करेंगे तो लेवल फाइव में कैंडिडेटों की संख्या 47-58 है, और ये तीनों जोड़ देंगे तो मैं डायरेक्ट तीनों को जोड़ के बता दूं तो ये होता है 14,492 कैंडिडेट जो अभी तक ऊपर के, जिनका रोल नंबर ऊपर है वो ऊपर वाले चलनी में छट गए हैं, यानी ऊपर की तरफ है टॉप की कंडीशन में। अब इसमें से जो अपने आपको दिखाया था 2573 कैंडिडेट रिपीटेड हैं लेवल CBET से लेवल फाइव में, और 695 आपके लेवल टू में, दोनों को मिला देंगे तो 3264 हो जाता है, और ये 14,492 से 3264 हम अगर डिडक्ट कर देते हैं सीधा सीधा 3264 3265, यानी 11,224 कैंडिडेट बचते हैं जो मेन रूप से अच्छा नंबर लाके कंपटीशन में है, या तो उन्होंने साइको टेस्ट के लिए ऑप्शन डाल दिया था और साथ में टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन डाल दिया था। जो कैंडिडेट नहीं डाले हैं उनका इसमें काउंट अभी नहीं हो रहा है, वो कैंडिडेट बहुत कम होंगे। और कोलकाता में आप जानते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, 2999। अब ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट कहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट से मेरा दो नंबर ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा है, तो मैं तो सबको कैलकुलेशन कर रहा हूँ कितने में, 11,224 में, और 11,224 को हम डिवाइड कर देंगे 2939 से तो रेशियो बनता है 3.74, यानी एक पोस्ट के लिए 3.74 कैंडिडेट हैं, और इसमें भी टाइपिंग भी है और साइको भी है, और हम जानते हैं टाइपिंग में भी 50% 60% तक ही रिजल्ट आता है, और आपका CBET में भी 50% से 60% ही रिजल्ट आता है। तो आपके पास ऑप्शन है या नहीं है। मैंने फर्स्ट दिन वीडियो बनाया था, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, और हालांकि मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे व्यूअर यूनिक हैं, अच्छे व्यूअर हैं, अच्छा से मेहनत करते हैं, अच्छा से या तो कमेंट नहीं करते या साइलेंट रहते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत सारे उपद्रवी यूट्यूबर भी हैं, और वो क्या करते हैं, पिंच करते हैं, लोगों को समझेंगे कि वो कैंडिडेट हैं और आपको लगेगा कि वो कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉपी करने वाले बैठे हुए हैं, कॉपी मास्टर, और वो कॉपी करेंगे और अपने चैनल पे ले जाएंगे, उनको अगर उनकी बातों से विरोध लगी तो वो कमेंट उल्टा करेंगे। इसलिए समझिए, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ उसका डाटा देता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि 4 से कम विद्यार्थी हैं और 4 से में भी 50% फेल होते हैं, तो ऑप्शन तो सबके पास अभी अवेलेबल है। अभी देखिए सिलेक्शन तो देखिए पूरी वैकेंसी में 25,281 से ज़्यादा नहीं होगा अभी फंड, जब तक वैकेंसी बढ़ी या घटी नहीं तो, लेकिन अभी भी हार जाने वाली स्थिति नहीं है कि हमने छोड़ दिया। तो RRB कोलकाता का मेरे तरफ से यही एनालिसिस था, और कुछ लोगों से सजेशन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल बटन नहीं दबाते तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, और इस चैनल का नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड सबसे ख़राब है। मात्र 8% हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन से वीडियो देखते हैं, यानी चैनल पे अगर 1,000 व्यू आता है तो उसमें से मात्र 80 व्यू हमारे सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन से देखते हैं, जो एक सही नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।